अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज जो हम जॉब लेके आए हैं वो यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोधा में है। चलिए देखते हैं इसमें कौन कौन सी जॉब है और हम इसमें कैसे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, पहले नंबर पे हमारे पास प्रोफेसर है। प्रोफेसर विजिटिंग बेस पे चाहिए तो आप देख सकते हैं पीएचडी रिक्वायर्ड है और 15 साल का एक्सपीरियंस भी चाहिए। इसमें आप देख सकते हैं 10 साल का अगर एक्सपीरियंस है तो इसमें आपको रिसर्च वगैरह भी पब्लिशिंग वगैरह शो करवानी पड़ेगी। तो ये देख सकते हैं आपको नेक्स्ट जो है असिस्टेंट प्रोफेसर चाहिए, विजिटिंग फैकल्टी है और सब्जेक्ट भी आप देख सकते हैं। इसमें भी पीएचडी रिक्वायर्ड है, 10 साल का तजुर्बा चाहिए और 5 साल का तजुर्बा है तो पब्लिकेशन भी आपको शो करवानी पड़ेगी, जिसमें आप देख सकते हैं कि 10 रिसर्च पेपर पब्लिश होने चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर है, असिस्टेंट प्रोफेसर में भी आप देख सकते हैं कौन कौन से सब्जेक्ट अवेलेबल है। तो यहाँ पे विजिटिंग फैकल्टी अवेलेबल है, यहाँ पे आप देख सकते हैं पीएचडी चाहिए, नो एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है इसमें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर चाहिए, इसमें आप देख सकते हैं ग्राफिक डिजाइनर के सब्जेक्ट हैं, यहाँ पे पीएचडी रिक्वायर्ड है और मास्टर डिग्री अगर फॉरेन से है तो वो भी रिक्वायर्ड है या उसने एमफिल किया होना चाहिए। 18 साल की एजुकेशन रिक्वायर्ड है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो है प्रोफेशनल डिग्री जो है 4 ईयर की होनी चाहिए फर्स्ट डिविजन के साथ और यहाँ पे नो थर्ड डिवीजन होनी चाहिए पूरे एकेडमिक कैरियर में। एक्सपीरियंस कोई नहीं रिक्वायर्ड, बाकी भी आप इसकी डिटेल पढ़ सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं लेक्चर रिक्वायर्ड है, इसमें भी आप काफी देखें सब्जेक्ट अवेलेबल हैं जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे फर्स्ट क्लास एमएस और एमफिल रिक्वायर्ड है जिसमें 18 ईयर की एजुकेशन रिक्वायर्ड है और नो थर्ड डिवीजन इन एकेडमिक कैरियर होनी चाहिए और एक्सपीरियंस नील है और कोई भी पब्लिकेशन ना भी हो तो फिर भी ये अप्लाई कर सकते हैं। फिर लेक्चर है, ग्राफिक डिजाइन वाले सब्जेक्ट हैं आप देख सकते हैं। फर्स्ट डिवीजन डिग्री 4 साल जो कोर्स है उसने किया हो, फर्स्ट डिवीजन में होनी चाहिए, नो थर्ड डिवीजन इन एकेडमिक कैरियर, नील एक्सपीरियंस और नील जो है वो पब्लिकेशन हो। लेक्चर रिक्वायर्ड है, इसमें भी आप देख सकते हैं LLB फर्स्ट क्लास रिक्वायर्ड है और नो थर्ड डिवीजन इन एकेडमिक कैरियर। फिर लेक्चर रिक्वायर्ड है, आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग देख सकते हैं, MS इलेक्ट्रिकल या MPhil फर्स्ट क्लास में किया होना चाहिए। तो फिर नो थर्ड डिवीजन इन एकेडमिक कैरियर और नो एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड और नील आपने पब्लिकेशन रिक्वायर्ड है। यहाँ पे अगर नीचे आए तो फिर लेक्चर रिक्वायर्ड है, लेक्चर में भी आप देख सकते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट अवेलेबल हैं। फर्स्ट क्लास डिग्री MS और MPhil में रिक्वायर्ड है, 18 साल की डिग्री होनी चाहिए और नो थर्ड डिवीजन इन एकेडमिक कैरियर। तो यहाँ पे अगर हम अप्लाई करने की बात करें तो इनकी वेबसाइट पे मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी दे दूंगा, आप वहां से डाउनलोड करके इसको भी रीड आउट कर सकते हैं और मैं इसका एप्लीकेशन का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या रिक्वायर्ड है, यहाँ पे आपने साथ CV कम्प्लीट डॉक्यूमेंट साथ अटैच करनी है, टेस्टेड सारे टेस्टी डॉक्यूमेंट अटैच करके 2 रीसेंट फोटोग्राफ जो है वो अपने साथ अटैच करनी है। वो अटैच करके आपने जो नीचे है आपने 1000 रुपए का जो चलान फॉर्म है प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर के लिए है और बाकी जो है 500 रुपए का चलान फॉर्म है। यहाँ पे आप देख सकते हैं अकाउंट नंबर दिया गया है HPL का, तो आप इसमें जो है बैंक ड्राफ्ट इसके नाम का अकाउंट नंबर सारा कुछ दिया गया है, ये आप ने इस पे बैंक ड्राफ्ट बना लेना है। बैंक ड्राफ्ट बना के आपने सारे डॉक्यूमेंट साथ एप्लीकेशन साथ अटैच करके सेंड कर देने हैं। आपने ख्याल रखना है CV का भी फॉर्मेट दिया गया है यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोधा की वेबसाइट पे, वहां पे आपने चेक कर लेने हैं CV के फॉर्मेट वही रखना है आपने और साथ जो है एप्लीकेशन आपने डाउनलोड करके फिल करके और दिए गए डेस्क पे जमा करा देनी है। 1 अक्टूबर 2021 से पहले पहले आपने सबमिट करवानी है ये। चलिए हम इसकी वेबसाइट पे जाते हैं, वेबसाइट पे जाके चेक करते हैं कि ऐड को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं और एप्लीकेशन। ये देखें, ये हमारे पास ऐड है जो कि मैंने डाउनलोड की, यहाँ से डाउनलोड करके तो आपको शो करवाया, इसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहाँ से आप देख सकते हैं जॉब एप्लीकेशन फॉर्म है 1 to 15 है और 16 से अबव जो है एप्लीकेशन फॉर्म वो भी आप देख सकते हैं और ये अपडेट CV टेम्पलेट देख सकते हैं प्रोफेसर के लिए, ये भी आपने डाउनलोड करना है, इसके अकॉर्डिंग जो है CV बना सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की जॉब जिसमें हमने आपको बताया कि आप इसमें कैसे अप्लाई कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह।